तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए अपने दोस्तों का, जो आज हमारे एलुमनाई डे में शान बढ़ाने के लिए मेरे साथ आए हैं, जो हमारे सबसे परम अजीज़ और एक उच्च शिखर के सीईओ ऑफ कलर्स मिस्टर राजनायक। थैंक यू वेरी मच राजनायक। दूसरे मेरे एक बहुत ही रूहानी दोस्त हैं जिनका नाम है अदनान सामी। मैंने उनसे कहा कि सर हमारे बच्चे आ रहे हैं और वो बड़े हो गए हैं और आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा, तो क्या चाहते हैं आप? फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी जो ज़िंदगी थी वो पहले म्यूजिशियन थे, कंसर्ट्स करते थे, बोले सिंगर तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बन गया। तो उनके घर में एक बहुत अच्छा पियानो पड़ा हुआ था, मैंने पियानो देखा और मैंने देखा, मुझे मालूम था कि पियानो बहुत खूबसूरत बजाते हैं, तो मैंने बोला सर क्या आप कबूल करेंगे कि आप हमारे बच्चों के लिए एक पियानो का एक अंदाज अपनी उंगलियों से बजाकर उन्हें सुनाएं? और उन्होंने मंजूर किया। थैंक यू अदनान भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रॉय फॉर बीइंग हियर विद अस। इट्स सो वंडरफुल टू बी हियर टुनाइट एंड टू बी एबल टू शेयर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट विद ऑल ऑफ यू। Subhash ji is one of the first people that I met when I came here in 1999. And so the love that I have for him and the respect that I have for him is something that is unparalleled, and it always will be. And it is simply because he just oozes love. मेरे पास सिर्फ एक ही छोटा सा खजाना है, वो है प्यार। मुझे प्यार जितना मिलता है उसी को लेके मैं रिसाइकिल करके अपने अंदर एक उससे भी ज़्यादा प्यार मैं उजागर करता हूँ, और वो मैं अपने प्यारों को, अजीज़ों को मैं पेश करता हूँ अपने संगीत के ज़रिए। और सुभाष जी और के साथ मेरा इतना पुराना रिश्ता है कि वो जब भी मिलते हैं, जब भी इतने साल हो गए, 15 साल से ज़्यादा हो गया, कि उन्होंने हमेशा बहुत प्यार किया, और तो उनके साथ एक रिश्ता मेरा बहुत अलग है। और उन्होंने जिस प्यार मोहब्बत के साथ ये खूबसूरत विस्टिंग वुड्स बनाया है मेघना के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सर्विस उन्होंने जो की है अपने फील्ड में, इस फील्ड में, वो बहुत काबिल तारीफ है। और मैं जब भी हो सके, मैं जब भी वो पुकारेंगे मैं हमेशा उनके लिए हाजिर हूँ। हमने जब शुरू किया था तब साफ स्किल, जो आज स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जिसे कहते हैं, ये 2001 में ही शुरू किया था हमने, और उसके साथ साथ हमने मेक इंडिया भी शुरू किया था कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर जब पढ़ें तो उनको आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएँ, स्टूडियोज़ में उनको काम दिया जाए और उसमें वो अपना सॉफ्टवेयर बनाएँ। लेकिन जो कानून के चक्कर में हम आए, जब सरकार के चक्कर में आए, तो जो हमारा 2/3 हिस्सा था, जो जहाँ चीज़ें बननी थी, जहाँ रिसर्च सेंटर्स होने थे, यहाँ हॉस्टल बनना था, वो आज तक नहीं बन सका। आज भी हम एक 1/4 ज़मीन पर बैठे हुए सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं, और उसमें भी बैठकर हमने पूरी दुनिया में नाम कमाया, ये एक बड़ी सराहनीय बात है। तो हम जो मेक इंडिया ताकि वो प्रोडक्शंस करें, वो आज भी हमको कमी महसूस होती है, और लगता है कि सरकार और राजनीति के जो लोग हैं हमारा समर्थन करेंगे, हमें सहयोग देंगे, और ये जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। हमारे लिए तो अच्छा है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़ावा है, क्योंकि हम हमेशा टैलेंट ढूंढते रहते, देखते रहते,
और अभी जैसे इन्होंने कहा अभी डिजिटल जो है और मैंने मेरे स्पीच में भी कहा द फ्यूचर इज़ नॉट अबाउट टेलीविजन, इट्स नॉट अबाउट डिजिटल, इट्स नॉट अबाउट आईपैड्स और मोबाइल फोन्स, इट्स अबाउट कॉन्टेंट. दैट इज़ द फ्यूचर. कॉन्टेंट इज़ गोना बी प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक. एंड यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं whether they are writers, whether directors, actors, musicians, whatever. So he has managed to put together an institution that is probably well recognized world over. Main yahi sochta hu agar inko jo support milna chahiye tha, agar wo milta to ye kya ho. Ab dekhiye maine film ki saudagar jahan par Dilip Kumar sahab, Raj Kumar sahab dono legendary actor, unse bhi senior, umar mein bhi zyada, लेकिन किस तरह से वो सीधा, मतलब जैसे हम तो खैर शॉर्ट खत्म होते हैं सुभाष जी की तरफ देखते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ अप्रूवल, सम सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट कुछ तो मिल जाए, यू नो. मैंने कितने सीनियर लेजेंड्स को भी क्या कहते हैं कि सुभाष जी की तरफ देखते हुए और सुभाष जी की से यू नो कि दैट इज इट करेक्ट, इज इट राइट, बिकॉज देर इज कंप्लीट सिनेमा इन हिज सिस्टम इन हिज बॉडी. तो मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने अनिल कपूर ने, जैकी श्रॉफ ने, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी, इन सब यंगर एक्टर्स ने, हम सब ने डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके देख कर सीखा सुभाष के हिसाब से. और आज वो सीख किसी ना किसी तरीके से यंगर जनरेशन को विस्लिंग वुड की थ्रू पहुँच रही है. तो ये तो बहुत ही खुशी की बात. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल.